हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। रश्मि की फैमिली किचन में आपका स्वागत है। तो मैं आज बनाऊंगी जीरा राइस, वो भी कढ़ाई में, भगोने और कुकर में तो सभी बनाते हैं। तो आज मैं बनाकर दिखाऊंगी कढ़ाई में जीरा राइस, वो भी बिल्कुल खिले हुए। तो इसके लिए अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिए हैं मीडियम साइज़ के चावल, तो इनको मैंने साफ़ कर लिया। मैंने लिया है एक बाउल में अच्छा पानी, इसको चावल को अच्छे से 4 से 5 बार धुलना है। तो मैं इनको धुल ले रही हूँ जिससे कि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। तो मैंने चावलों को अच्छे से धुल लिया है, देखिए ये कितने क्लीन हो गए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं। तो मैंने इसके लिए कट किया है 2 बड़े प्याज, बड़े साइज से इसको कट करना है। तो मैंने इधर कढ़ाई को कर ली है गर्म, तो वो गर्म हो चुकी, तो मैंने ऐड कर दी इसमें रिफाइंड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं या सरसों का तेल। तो मैंने इसमें कटे हुए ऑनियन डाल दिए हैं, उसको हल्का सा चला देना है। तो मैंने इसको हल्का सा चला दिया है और इसमें बीच में जगह करके मैं डाल दूंगी अब जीरा। जीरा मैंने बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि जीरा को ज़्यादा नहीं भूनना है, इस चावलों में दिखना चाहिए। तो थोड़ा ही सा इसको प्याज भूनना है, इसमें ऐड कर दिया है मैंने धुले हुए चावल, और इनको मिक्स कर देना हल्का। 30 से 35 सेकेंड तक इसको मैंने चला दिया है। इसके बाद मुझे इसमें ऐड कर देना है पानी, जिसमें मैंने चावल लिए थे कटोरी में, तो उसी कटोरी से मुझे 2 कटोरी पानी ऐड कर देना है। तो मैंने 2 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से चला देना है। जो सारे कढ़ाई में चावल लगे हुए हैं उसको मैंने साइड से हटा लिए हैं और सारा मिक्स कर दिया, और इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच घी। इससे मेरे चावल खिले खिले बनेंगे। और डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, फिर चला दिया है। अब मुझे क्या करना है, फुल गैस कर देनी है और उसको उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। तो उबाल आए तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पहला उबाल आ चुका है। अब मैंने गैस को कर दिया है एकदम से लो। अब इस चावलों को अच्छे से चला देना है। अब चावलों को मैंने चला दिया है, अब इसकी गैस को बिल्कुल लो रखना और एक थाली ले लेनी और इसको अच्छे से कवर कर देना है और इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना। तो 4 से 5 मिनट यहाँ हो चुके हैं, देखिए चावलों ने पूरा पानी अब्जर्व कर लिया है। अब मैंने इसको चला दिया है, तो अच्छे से चलाना है। अब देख लेना कि चावल पका, तो मेरा चावल पक चुका है। अब इसकी गैस कर देंगे बंद और चावलों को ढक कर रख देंगे 4-5 मिनट के लिए। तो मैंने इसको ढक दिया है, अब 4-5 मिनट के लिए मैंने ढककर रख दिया है। 4-5 मिनट हो चुके, तो मैंने कढ़ाई को उतार लिया नीचे। तो ये बनकर रेडी है मेरे जीरा राइस। ये बच्चों के ऑलमोस्ट फेवरेट होते हैं, ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैं इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ, ये कैमरा में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम क्या सही से नहीं लगा तो ये ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी। तो मैंने सारा प्लेट में जीरा राइस चावल निकाल लिए हैं, अब बनकर तैयार है मेरे जीरा राइस। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इसको चावल के साथ खाएं, सब्जी के साथ खाएं, चाहे ऐसे ही खाएं, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। और बच्चे तो बहुत ही अच्छे से खाते हैं, उनका तो फेवरेट होता है। तो आप भी बनाकर ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है।